मेरे साथ साथ मेरी श्री की ताकत, मेरे श्रीय महामहिम सौरभ चौधरी जी, मेरे राष्ट्रीय मंत्री श्री श्री सिंह जी, महामंत्री प्रदेश के जनक जी, विकास जी, मंच पर आसनस्थ सारे युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण और यहाँ पे आए हैं मेरे प्यारे युवा मित्र। आज आज दिन इतना अच्छा और शानदार है। इतने दिनों से गर्मी हो रही थी पूरे उत्तर भारत में, लेकिन आज कहीं ना कहीं ठंडी हवा सब जगह चल रही है। दिन कहीं ना कहीं अच्छा है। आज दिन इतने भी अच्छा है कि एक ऐसे भारत माँ का सपूत उस दिन को पैदा हुआ था, जिसमें माँ भारती कि माँ भारती का सिर झुकने नहीं दूंगा। और फिर आज हमने 70 साल बाद आज उसी माँ भारती पुत्र का जन्मदिन है, जो छोटे से चाय के ठेले से चाय बेचते बेचते आज इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, तो विश्व के सबसे बड़े बहुत अच्छे नेता के रूप में आज लोग उनको देख रहे हैं। आज वो सौभाग्यशाली दिन है, एक ऐसा नेता है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही तो पूरी दुनिया के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। कभी कभी आप अमेरिका जाओगे तो आप ट्रंप भी उनको कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, कि मोदी जी आ रहे हैं तो मैं भी आऊंगा तो मुझे चुनावी फायदा आएगा। इस भूमि पुत्र भारत की भूमि पुत्र को इस रूप से मान और सम्मान पूरे विश्व में मिल रहा है। आज किसी भी देशों में चुनाव हो रहा होगा तो भारतीय विदेश में रहने वाला हमारा हर एक भारतीय अभी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस देश ने, इस भारत माँ के सपूत ने तो भारत को भारत में ही नहीं आसिया खंड में तो विश्व में नंबर वन का देश बनाने का पूरा पीठ उठाया है। वो माँ भारती के सपूत है माननीय श्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 में उन्होंने कसम खाई कि मैं नरेंद्र दामोदर मोदी देश प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ और वो बन गए। उस शपथ के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये देश का आशीर्वाद ले जा रहा हूँ तो मैं आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक बन रहा हूँ। और उस सेवक ने गत 5 वर्षों में इस प्रकार से काम किया, जो जो संकल्प उन्होंने लिए उस संकल्प की सिद्धि भी उसी 5 वर्ष में कर दिखाई। आप सोचिए, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने भाषणों में कहते हैं, हम भी हमारे भाषणों में सांसद के रूप में कहते हैं कि जब जब भूमि पूजन का नारियल जब हम वहां पे लगाते हैं, छोड़ते हैं कि आज भूमि पूजन किसी कार्य का हुआ तो उसका उद्घाटन भी हमारी ही सरकार करती है। इस ताकत के रूप में हम काम करते हैं। इस माँ भारती के सपूत का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व में लोग ये जन्म दिवस मना रहे हैं। लेकिन इस जन्मदिन को मनाने के अलग अलग रूप से हम जन्म दिवस मनाते हैं। जब हम नरेंद्र मोदी एक व्यक्तिमत्व को देखते हैं, प्रधानमंत्री के रूप से देखते हैं, तो हम इतनी सारी कलाएं देखते हैं उसमें, हम इतने सारे पहलू देखते हैं उसमें। कोई चाहता है कि उनकी तरह भाषण करे, कोई चाहता है कि एक चाय वाले का बेटा सब देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो कोई और भी इस देश का सपूत प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई ये देखता है कि किस प्रकार से चुनावी रणनीति के रूप से काम करे, कोई ये देखता है कि हम पर्यावरण के रूप से कैसे काम कर सकते हैं, कोई ये देखता है कि जब भारत से कोई देश आंख उठा के देखता है तो पाकिस्तान को रात भर नींद नहीं आए, ऐसे बम फोड़ फोड़ के उनको भी रुका के दिखाता है। ये ताकत, ये पहलू उसमें है। इतने अष्ट पहलू नहीं, इतने हजारों पहलू ऐसे हमारे प्यारे नेता में है कि हम एक युवा के रूप में कुछ न कुछ उनके विषयों के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के हम ये सोच सकते हैं कि ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व हमें उस रूप से जोड़ रहा है और मैं अपने विचारों को, विश्वासों को, सपनों को उस नेतृत्व के साथ जोड़ रहा हूँ जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और हम अपने विचारों को, सपनों को उस नेतृत्व के साथ जोड़ते हैं
मतलब हम हमारे देश के सपनों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वर्णिम काल में हम युवा बैठे हैं, उस विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आज युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम लिया और सिर्फ हरियाणा के एक जिले में एक विधानसभा में नहीं तो पूरे देश भर के आज इस कैमरा के रूप से 300 जिलों में अभी इस वक्त कार्यक्रम हो रहा है। वो कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले मुंबई आए थे, मेरे चुनाव क्षेत्र में आए थे, मेट्रो का उद्घाटन था। तभी उन्होंने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रखा था। वो कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, मैं पूरी तरह से देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, हमारी टीम अच्छा है, भारत ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत आगे बढ़ने के लिए हर एक भारतीय ने एक संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं माँ भारतीय, हम चरण छूते हैं माँ का, हमारे पृथ्वी माँ की हम ताकत लेते हैं, हम हर वक्त आशीर्वाद लेते कहते हैं इस माँ भारती को आगे नहीं बढ़ाना है, तो हम अपने सपनों को जोड़ते हैं। तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा उस भाषण में और मैं प्रभावित हो गई उस भाषण से। मैंने सोचा यही भाषण है जो हम युवाओं को आगे ले बढ़ाएगा कि जब एक भारतीय एक संकल्प लेता है भारत को आगे बढ़ाने, वो संकल्प स्वच्छता के रूप से हो, वो संकल्प किसी को शिक्षा देने के रूप से हो, वो संकल्प प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने से हो, वो संकल्प इस रूप से हो कि कल जाके मैं अनाथ आश्रम में जाके आने वाले एक हफ्ते में इतना काम करूंगा, वो संकल्प आपके गली कोठे में जहाँ भी 10 फुट के आजू बाजू के इलाके में आप काम कर सकते, तो वो संकल्प हो। ये संकल्प क्यों करना है कि इसमें जब भारत आगे बढ़ेगा तो उस बढ़ाई में हमारा भी बराबर का हिस्सा होगा, हमें फख्र भी होगा, गर्व भी होगा और हमें उस ग्रुप की ताकत भी महसूस होगी। और वहीं हमें संकल्प देना है, संकल्प कोई बड़ा नहीं लेना है कि आपका नेतृत्व उस ग्रुप से चले। जब तक हमें गांव में कोई पहचाने का नहीं तो देश में हम कैसे नेता बन सकते हैं। हम हमारे घर से, हमारे गाँव से, हमारी गलियों से, हमारे गाँव से हम एक संकल्प लें। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में वही कहा, एक संकल्प, वो संकल्प छोटा और बड़ा नहीं होता, संकल्प पूरा करने वाला आदमी बड़ा होता है। और हम उस रूप से बड़े होने चाहते हैं, उस संकल्प को ले जाना चाहते हैं। तो हमने सोचा युवा मोर्चा के द्वारा कि ये संकल्प से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए, जो देश की युवा सोचता है कि हम मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो संकल्प हम आज ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे युवाओं ने मुझे वीडियो ही भेजा कि वो पहले ही संकल्प इस सेवा सप्ताह में ले चुके हैं और उस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी सिद्धि करना चाहते हैं, वो कोई भी संकल्प हो। तो मैंने सोचा इस भाषण के बाद कि एक संकल्प, एक भारतीय एक संकल्प, वन इंडियन वन प्लेट, वो संकल्प आप अपने मन में तैयार करिए। वो संकल्प से शपथ लेने के लिए संकल्प ही कि मैं सेवा करूँगा, ये संकल्प अपने दिल की आवाज़ होती है। ये मैं आपको कहूंगी कि चलो भैया आप ये संकल्प करो और ये काम करो, इससे नहीं होगा। वो संकल्प आपकी दिल की आवाज़ होगी जो भारत को आगे बढ़ाने के जज्बे को आगे ले बढ़ाए। जब हम संकल्प की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो हमें ये आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन्मी, आगे बढ़ी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी राज, हम इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश भर में हमारी सत्ता है, लोगों का प्यार है, उनके लिए काम करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। वो महत्वपूर्ण संकल्प ऐसा भी था जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था। वो संकल्प था धारा 370 हटाना। वो संकल्प था कि एक देश में दो विधान, दो संविधान और दो रहेंगे। ये संकल्प उस वक्त विचारधारा से हमने लिया था और उस संकल्प की सिद्धि हमारे प्यारे, हमारे सबके प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित भाई शाह ने पूरा सिद्धि करके दिखाया। इतने साल आप जानते हैं इतिहास क्या है कश्मीर का। ये मेरा सौभाग्य था कि पहली बार जब कश्मीर के विषयों पर भाषण करने का मौका मिला उसमें से पहले सांसद मैं थी और उस भाषण में मैंने ये कहा था कि युवा मोर्चा के रूप से हम पूरे देश भर में जो है
मैं कश्मीर में गई हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में गई हूँ, मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में गई हूँ, मैं दक्षिण में गई हूँ, मैं हर जगह में गई और हर युवाओं से मैंने संवाद साधा, हर युवाओं से संवाद कर करके मैंने बात किया। हर युवा ये चाहता है कि हमारे सपनों को हम आगे ले बढ़ाए। और पहली बार मैंने भारत में ऐसी ताकत देखी 2014 के बाद, जब मैं युवाओं से, युवा मोर्चा की अध्यक्षता के रूप से मिल रही हूँ, कि वो चाहते हैं कुछ कर दिखाना। वो जज्बा जब 1947 में जब कुछ सरफरोशी करने का जज्बा था, वो आज वही जज्बा देश के लिए अच्छे काम करने का जज्बा है। कभी देश के लिए बलिदान करने का जज्बा था जब हम देश को स्वतंत्र करने वाले थे, आज जज्बा बलिदान से देश के लिए कार्यदान करने का जज्बा इन युवाओं में है। ये ताकत हमें देती है, वही जज्बा हम देखना चाहते हैं। आज हमने वो ताकत है और वही जज्बा हमने उस दिल में देखा। जब मैं कश्मीर घाटी में युवाओं से मिली, बहुत दिन बिताए उनसे बात की, लेकिन आप सोचिए कश्मीर घाटी में स्थिति क्या थी। जब वहाँ के युवाओं के साथ मिली, सारे जिलाध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, अलग अलग कार्यक्रम करने वाले मेरे कश्मीरी युवा भी थे, वो चाहते थे, वो कह रहे थे, दीदी आज हम आपसे कश्मीर घाटी में मिले हैं, कल हमें मुंबई का समंदर बहुत देखना जरूरी दिखा। उसमें से एक नेता था गौहर घाट, बहुत अच्छा युवा कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा का हमारा अध्यक्ष था वहाँ का। गौहर ने बहुत ज़बरदस्त रूप से काम किया था। उसके भाई ने मुझे आके कहा कि दीदी उसे समझाइए, भाजपा पार्टी का झंडा अपने कंधे पे लेके पूरे कश्मीर घाटी में वो वहाँ से टेररिस्ट कह रहे, वहाँ के आतंकवादी दगा रहे हैं। तो मैंने गौहर को पूछा, भाई कुछ तकलीफ है मुझे बताओ। तकलीफ नहीं है मुझे दीदी, आप यहाँ पे आइए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके हमें नरेंद्र मोदी का सपना आगे बढ़ाना है और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। गौहर जिसने मुझे कहा था कि दीदी मैं काम तो कर रहा हूँ, मुझे मुंबई का समुद्र दिखाइए, समुद्र में देखना चाहता हूँ। मैं श्रीनगर से निकली और कुछ ही दिनों में उसकी वहाँ के लोगों ने हत्या कर दी। ये गौहर था, लेकिन कोई रुका नहीं, कोई थमा नहीं। जब वहाँ के जिलाध्यक्ष की हत्या की तो 10 लोग नए खड़े हो गए वहाँ के, 10 नए गौहर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी में आगे ले बढ़ाएंगे। ये कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। अखबार में कुछ भी पढ़ते रहते हैं हम, ट्विटर पे कुछ पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया में कुछ पढ़ते रहते हैं, अकल होती नहीं। पढ़ते पढ़ते हर कोई वहाँ के JNU से लेके बैठते हैं यहाँ पे दिल्ली के JNU में और बातें कश्मीर की करते हैं। हमने जिगर है कि हम घाटी में जा सकते, लोगों से जुड़ सकते हैं। ऐ हिम्मत उन JNU के लड़की लड़कियों की कि वो कश्मीर में जाके बात करे। शेर होता है तो जंगल जाके दहाड़ता है, ऐसे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है जो JNU के भेड़िया वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। ये ताकत नहीं दिखती। और उसी कश्मीर की ताकत को मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक संकल्प, बलिदान दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस बलिदान को हम कभी भूले नहीं और वही संकल्प पूर्ण करने के लिए 70 साल लगते कि हमारा खुद का चीज कश्मीर भारत के साथ लाने के लिए। है क्या भारत 370? भारत 370 ये बात है, ये अभ्यास है कि कश्मीर को भारत से हर वक्त अलग रखना। भारत में सबसे बड़ी उच्चतम हमारी पार्लियामेंट होती है, जहाँ संसद में कानून बनते हैं, लेकिन संविधान दूसरा होने की वजह से कश्मीर में उनकी ताकत नहीं पहुंच सकती। जब हमने आरक्षण के मुद्दे पे लोगों को साथ लाया, आरक्षण लाया, लेकिन कश्मीर में आरक्षण मिल नहीं पाया। जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों को पैसा पहुंचा सकते थे, ग्राम पंचायतों में हमारी सारी हरियाणा में पहुंची है, लोगों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन भारत 370 की वजह से कश्मीर में नहीं हुआ। ये भूल चूक जब कश्मीर भारत के साथ जुड़ रहा था, ये सबका इतिहास है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियायतें भारत के साथ जोड़ी, वो रजाकार वहाँ के हो, वहाँ की रियायत हो या जूनागढ़ की रियायत हो, लेकिन जब राजा हरि सिंह ने हाथ जोड़ के विनती की कि हमें कश्मीर को भारत के साथ जोड़िए, तभी सबसे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको अनदेखा और अनसुना कहा, क्योंकि वो दूसरे परिवार को वहाँ से समर्थन देना चाहते थे। और आज सब रो रहे हैं फूट फूट के JNU में बैठने वाले कि उस परिवार के नेता को आपने रुकावे में रखा है। जिसे कश्मीर भारत से अलग रखा है उसको हम रुकावे में ही रखेंगे, तो उसको देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। ये ताकत हमें दिखानी चाहिए।
और हमें पूछना चाहते हैं कि आप कश्मीर को अलग रखने वाले नेताओं को सम्मान हमने देना चाहिए। और इसी रूप से जब हम देखते हैं इतिहास, ये इतिहास 1947 को देखे जब अनदेखा किया वहां के तत्कालीन मंत्री ने, और जब हरी सिंह कह रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान ले जाएगा, कश्मीर को विलीन होने दीजिए भारत को, तो तभी भी लड़ाई शुरू हुई। और जब पाकिस्तान हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया, वो चाहता ही था, तब इतिहास क्या कहता है कि तभी के 47 प्रधानमंत्री वो यूनाइटेड नेशन पर जाकर कह रहे थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान से छुड़ा के हमें दी। जैसे मेरे घर में और इनके घर में लड़ाई चल रही है, मतलब कभी हो ना लड़ाई हम दोनों की, लेकिन मेरे घर में और इनके घर में लड़ाई चल रही है, और ये मेरे परिवार को पहले तुमको दिखा दूंगा, तो मैं किसी तीसरे के और जाके कहूँगी कि इनसे मुझे बचाओ। अरे मैं भारत हूँ, मुझमें दम है, तुमसे लड़ाई हो रही है तो मैं तुमसे सीधा लड़ूंगी और दिखाऊंगी कि मैं अपने परिवार को अपने दम पे लड़ाना चाहती हूँ और जिताना चाहती हूँ और उनका सम्मान करना चाहती हूँ। उसी रूप से भारत की एक स्थिति हो गई थी कि घर की लड़ाई में हम बाहर जाके पूछ रहे थे कि हमारी लड़ाई में हमें बचाओ। अरे नेतृत्व से ये अपेक्षा होती है जब घर में लड़ाई होती तो आप घर के पिता के रूप से खड़े रहते, घर का सम्मान रखे, और यही सम्मान 70 साल के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। ये वो धारा 370 है। इतनी सारी इतिहास में गलतियां हुई। 1990 में देखा कश्मीरी पंडितों को वहां निकाल दिया गया। कभी कहते हैं घाटी मुसलमानों की है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर मुसलमानों का है, जम्मू हिंदुओं का है, लद्दाख बुद्धिस्ट लोगों का, ये नहीं है। यहाँ जो बैठा हुआ है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध धर्म का आदमी हो, वो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में बैठा है तो वो भारतीय है और उसके साथ हम खड़े हैं। और जिस प्रकार से अभी भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जिस रूप से हम देख रहे हैं, 1990 के बाद मिलिटेंसी शुरू हुई। ये मिलिटेंसी पनपी कैसे? वहाँ के बैठे हुए परिवार जो तीन तीन जनरेशन से, तीन तीन पीढ़ियों से, दो तीन परिवार के नेता थे, उनके इन 370 और कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए ये नए नए पैतरों से मिलिटेंसी का निर्माण हुआ। और आप जानते हैं 1990 के बाद कश्मीर की स्थिति ऐसी थी कोई सोच भी नहीं सकता था कश्मीर जाने के लिए, लेकिन हाँ आज वहाँ का युवा भी सोच सकता है कि वो भारत का हिस्सा है। वहाँ के युवाओं को, वहाँ के नेताओं ने उनको हर चीज में भारत से तोड़ा था, उनके दिमाग में डाल के रखा था कि भारत तुम्हारा नहीं है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार में और ऐसे दमदार हमारे नेतृत्व को देखते, कश्मीर ही नहीं तो पीओके जो हमारा ही है, बलूचिस्तान के भी बच्चे कह रहे हमें भारत में आना है और हमें भारत का हिस्सा बनाना है। और मैं ये जरूर कहूंगी, इतने 7-7 साल से ये लोग लड़े कि कश्मीर भारत में आ सकता है नहीं आ सकता है, भगवान जाने क्या होगा, पूरे देश भर में बवाल होगा, 70 साल उनके लड़े हुए और 70 मिनट हमारे 70 मिनट में सरकार ने इस बिल को सामने लाया, चर्चा हुई, उसी दिन में लोकसभा में बिल पास हुआ। किसी को भनक नहीं लगी, भनक नहीं लगी कि हमें धारा 370 में इतने अच्छे रूप से निकाल सकते हैं। भनक इसमें नहीं लगी कि किसी भी नेतृत्व में पहले इतनी ताकत नहीं थी। मुझे याद है सुषमा जी ने उसी दिन ट्वीट किया था, वो इतनी खुश हुई थी और हम उनको खो दिया उसी दिन हमने सुषमा जी को। लेकिन वो पीढ़ियों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद जी, अरुण जी, सुषमा जी, ये सब नेतृत्व ये देखना चाहती थी कि कश्मीर किस रूप से भारत का अंग होगा, कब हमारे कश्मीरी बच्चे भी भारत के साथ अच्छे रूप से जुड़े और आगे बढ़े। और देखिए इतनी पीढ़ियों ने की हुई मशक्कत और वो संकल्प उसकी स्थिति आज कश्मीर को हमारे साथ लाने में हुई। मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, हरियाणा से तो जम्मू कश्मीर बहुत पास है, अभी तो जम्मू कश्मीर के रूप से तीर भी हो रहा है, लेकिन चुनाव होने के बाद जहाँ पे फिर से हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे होने वाले हैं, और मैं अपेक्षा करूँगी युवा मोर्चा के भी नेता उस मंत्रिमंडल में है और वो आगे बढ़े, तभी आप सब कश्मीर के हमारे घाटी में जाके जम्मू कश्मीर ले लद्दाख में
हरियाणा का युवा जाके कश्मीर के हमारे युवाओं को कहेगा कि हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, हम तुम्हारे साथ हो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारी बहनें हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प हमें भारत की एकता के साथ दिखाना है और वही एकता हमें आगे ले जानी है। जब भारत 370 दिन पास हुआ था, 370 हटा दी गई, आप जानते नहीं उस दिन पार्लियामेंट का मैं वहाँ बैठी थी। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य जब मेरे पिताजी सालों साल इस विषय के लिए लड़ते थे और सपना देखते थे, ये मेरा सौभाग्य कि इनकी बेटी के रूप से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से इस इतिहास को सामने देखते हुए मैं उस इतिहास का हिस्सा हूँ और हम सब युवा इस इतिहास का हिस्सा ही हमारा सौभाग्य है। और उसी बलिदान को हम ना भूलें, उसी बलिदान के संकल्प को आज सीखी हुई है। ये नेतृत्व हमें सिखाता है। व्हाट इज अ मार्क ऑफ अ लीडर, नेता कैसे बनता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। और नरेंद्र मोदी ऐसा नेतृत्व है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और युवाओं को यही संकल्प और यही सिद्धि के विचारधारा को आगे ले रहा है। इसलिए आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि में आई हूँ। जो सपना संकल्प हमने देखा 2 MP से लेकर 303 MP, आप सोचिए 2 सांसदों की पार्टी थी, 2 सांसदों की पार्टी से लेकर 303 सांसदों की पार्टी एक साथ ये सपना देखे, संकल्प को लेके और इस सिद्धि को लेके आगे बढ़े। हरियाणा में भी 10 से 10 सांसद हरियाणा के हमारे भूमि के लोगों ने हमें दिए हैं। 47 सीटें हम जीते हैं 90 में से। इस बार मैं इतनी अपेक्षा करूंगी कि हम ये संकल्प लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है तो हम ये संकल्प लेंगे, हम पर्यावरण की तरफ लेंगे, हम अपने रूप से सामूहिक संकल्प तो लेंगे लेकिन एक आत्मिक संकल्प लेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन इस हरियाणा के भूमि से आपसे मैं एक संकल्प और एक लेके जाऊंगी कि इस बार ये संकल्प आप मुझे अक्टूबर में पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन आप संकल्प हम सब ये लेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिंदगी देश के लिए नशावत की है, वैसे ही हम हमारा एक सेवा सप्ताह देश का सारा युवा एक संकल्प, एक भारतीय एक संकल्प लेके इस देश को आगे बढ़ाएगा, ये अपेक्षा करती हूँ। और आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस दिन को हम अच्छे रूप से मनाएं, आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से उनको बहुत लंबी रखी उम्र मिले, जिसे हमें और भारत के स्वर्णिम का मेरे पीछे दोहराएंगे। एकल उपयोग प्लास्टिक बंद का संकल्प, वर्षा जल संरक्षण का संकल्प, स्वच्छता का संकल्प, वृक्षारोपण का संकल्प, यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प, सूर्य ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प, समाज के गरीब एवं वंचित बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प, भारत माता की, हमारे प्रदेश से बड़े भाई मनीष यादव जी से आग्रह करूंगा, बहन सोनू महाजन जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। भाई मनीष यादव जी और मेरे भाई विकास शर्मा महामंत्री से भी आग्रह करूंगा और सौरभ चौधरी जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। सारी अपनी चाहिए पूरी जबरदस्त युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुरुग्राम के भाई महेश यादव जी भी आए और अंतरिक्ष बख्शी जी जो कि प्रदेश में सचिव हैं उनका समृति दिन देकर सम्मान करेंगे।